दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट और मैं खड़ा हुआ हूं स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में। कलेक्ट्रेट से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर्किल की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है। यहां पर 3.5 करोड़ की लागत से बेहतरीन रोड डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो पार्क में, जवाहर पार्क में जो लोग यात्रा करने, भ्रमण करने आते हैं सुबह या शाम को, उनके लिए एक शानदार बैठने का प्लान है। यहाँ पर पार्किंग भी होगी और बेहतर लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं, चाय पानी नाश्ते की भी ढकेल लगेंगी और बहुत ही शानदार दृश्य है। और देख सकते हैं मेरे पीछे ये पेड़ लगे हुए हैं कुछ, मैं अपने साथी से कहूँगा कि इन पेड़ों पर शानदार ये जो लाइटिंग की व्यवस्था है, ये लाइट जिन्हें आप देख रहे हैं, ये पूरे तरीके से लाइट को लगाया गया था इस ठंडी सड़क पर। और वहीं पर वन विभाग वालों ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है इन पेड़ों पर जो लाइटिंग लगी है। आखिर बात करते हैं, यहाँ पर एक हमारे साथ में रंजन राणा जी हैं, जिन्होंने अपने पत्राचार के माध्यम से, आगे आ सकते हैं आप, पत्राचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराया कि यहाँ पर पेड़ों पर, वृक्षों पर जो लाइट लगी हुई है उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। रंजन भाई, आपको क्या समस्या थी? विकास कार्य हो रहा है, चमकीले रोड हो रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार इंसान, पशु पक्षी, जानवर एक सजीव प्राणी हैं, उसी तरह हमारे वृक्ष और ये जो भी हमारी जड़ी बूटियां हैं, ये भी सजीव हैं। और किसी भी सजीव प्राणी को अगर आप उसके शरीर में, अगर आप उसके शरीर में कोई कील ठोकते हैं, तो नेचुरल बात है कि उसको तकलीफ़ होगी। और तकलीफ़ होने के साथ में एक सजीव प्राणी का शरीर में कील ठोकने का हमें कोई अधिकार कानूनन भी प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पेड़ों में कील लगाकर विज्ञापन करना या किसी भी प्रकार से पेड़ों को तकलीफ़ पहुंचाना और ये रात में ये प्रकाश जगमगाना, ये पेड़ों की जो एक नेचुरल प्रक्रिया है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इन सब में भारी व्यवधान उत्पन्न होता है। उनकी जो दैनिक क्रिया है उसमें रुकावट पैदा होती है। और इसी के चलते, चूँकि मैं एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ, पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति का प्रबंधक सचिव हूँ, मैंने वन विभाग से इस बारे में शिकायत दर्ज कराई थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वन विभाग को कि उन्होंने शिकायत को तुरंत, क्या नाम है, अपना संज्ञान में लिया और एक बहुत अच्छा आदेश उन्होंने दिया कि जो इन्होंने नगर निगम को लिखा है, क्योंकि ये सारे पेड़ नगर निगम की कस्टडी में हैं, उनके स्वामित्व में हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है कि प्रकाश को हटाने का कष्ट करें, जिससे कि पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुगमता पूर्वक पूर्ण किया जा सके। तो मैं ये सोचता हूँ कि IAS अधिकारी जैसे लोग जो सीटों पर बैठे हैं, चाहे वो नगर आयुक्त हों या और बड़े अधिकारी हैं, ये सारे पढ़े लिखे लोग, क्या इन्होंने एक पहली दूसरी क्लास में विज्ञान नहीं पढ़ा? क्या ये सजीव और निर्जीव नहीं जानते? और ये सब जानते हैं और ना इन्होंने मूर्खता करी है कि जानते बूझते इन्होंने पेड़ों में एक कील लगाकर और ये प्रकाश की व्यवस्था, इसमें करंट भी प्रवाहित हो रहा है, पेड़ों पर गिलहरी हैं, तितलियां हैं और भी कीट पतंगे हैं, निवास करते हैं, आप इसमें करंट प्रवाह कराएंगे और करंट इन छोटे जानवरों को भी प्रभावित करेगा और आने वाला मानसून के मौसम में ये करंट ज़मीन के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में भी, क्या नाम है, करंट पैदा करेगा। तो मेरा ये मानना था कि ये पूर्णतः गलत एक्टिविटी है, इसका हमें विरोध करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है, हमने DM साहब को भी पत्र दिया है कि आने वाले 1-2 दिनों में नगर निगम इसको हटाए। अगर वो नहीं हटाती है तो लोकतांत्रिक रूप से हमारे पास अधिकार है कि हम इसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमें ये 3.5 करोड़ की सड़क बन रही है या यहाँ पार्किंग बनेगी और बनेगी, हमें उसके विकास के मॉडल से कोई एतराज़ नहीं है, आप खूब करिए, लेकिन पर्यावरण की जहाँ तक बात है, पेड़ों की रक्षा की बात है, उसके लिए हमेशा हम तत्पर हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और हम मांग करते हैं नगर निगम से कि आने वाले 72 घंटे के अंदर आप इन सजावट को तत्काल प्रभाव से हटवाएं, अन्यथा हम भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। देखिए, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां पर डायरेक्टली कोई इकोनॉमी फ़ायदा नहीं होता है। लोग अपने टेरिस में अपना पर्यावरण के लिए गमले वमले उगा लेते हैं, लेकिन जनता ही बदलाव लाती है और ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, ये बच्चे जानते हैं।
बड़े भी जानते हैं, बुजुर्ग भी, जब तो पार्कों में टहलने आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जनता देख रही है, समझ रही है, लेकिन चूंकि अधिकारी हैं, सरकार है, इनके खिलाफ बोलने वाले लोग कम होते हैं और वो डरते हैं कि कहीं कोई और दूसरी चपेट उनसे ना लग जाए। लेकिन हमारा काम पर्यावरण से जुड़ा है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अधिकारी इस बारे में क्या सोचते हैं। हमें जनता को जगाना है, अधिकारियों के सामने मांग रखनी है और जो जायज़ चीज़ है वो हमारी होनी चाहिए और ये लाइटें तत्काल प्रभाव से हटनी चाहिए। चलिए रंजन भाई, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि पेड़ों में भी साइंस की बता रहे थे जी, जी, जी। क्या जान होती है, क्या सेंटेंस? ये सजीव प्राणी है, पेड़ सजीव और निर्जीव दो होता है, जिसमें नॉन लिविंग थिंग जान नहीं होती है, जैसे ये नॉन लिविंग है, लेकिन हमारा ये पेड़ है और हम इंसान हैं, हम लोग लिविंग थिंग हैं। तो हमारे अंदर कील ठोकना, मैं तो कह रहा हूँ नगर आए पिछवाड़े ठुकवा लें, आ रहा हूँ मैं हथौड़ा लेके ठुकवा लें, एक कील मात्र, आपने हजारियों कीलें ठोक दी पेड़ों में, आप काय बात के पढ़े लिखे हैं, आप पे तो जुर्माना होना चाहिए, आपकी मासिक तनख्वाह में से अर्थ दंड लगना चाहिए आपके ऊपर, आपने इतना बड़ा गुनाह किया है। रंजन भाई, पेड़ों की पीड़ा को देखकर आप अंदर से तिलमिला रहे हैं बुरी तरीके। बिल्कुल नेचुरल बात है, कोई अज्ञानी आदमी ऐसा करे समझ में आता है, पढ़ा लिखा IAS की पास किया हुआ व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ है, वह ऐसी हरकतें होने दे रहा है, ये तो बहुत ताज्जुब वाली बात है, नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर भी बहुत सारे आला अफसराने प्रपोजल बना होगा, प्लानिंग हुई होगी, महीनों लिखा पड़ी हुई होगी, तब जाके ये प्रपंच रचा गया होगा। देखिए मनोज जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्वतंत्र हैं, सबसे बड़ी बात, आप खुद गत एक दो महीने से देख रहे हैं कि नगर निगम वर्सेस तमाम जनप्रतिनिधि और ये सारा एक हंगामा मचा हुआ है। हंगामा है बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा तो बर्पेगा, जब कोई आदमी काम करता है बहुत ज्यादा तो बिल्कुल नाराजगी लोग करते हैं, आपत्ति जताते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कमीशन खोरी, विस्तार से बताइए, कमीशन खोरी का खेल है। जब से स्मार्ट सिटी की स्थापना हुई है, केंद्र और राज्य के द्वारा भारी यहाँ पर पैसा भेजा जा रहा है और ये सबको दिखाई दे रहा है कि केंद्र और राज्य का पैसा आ रहा है और इसमें ठेकेदारी के कारण या अन्य के कारण बड़े बड़े बाउचर फाड़े जा रहे हैं, मीटिंगों में चाय कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें चल रही है, हाई फाई इनके बिल फट रहे हैं और ये सब कमीशन खोरी का खेल है। और अगर ये कमीशन खोरी का खेल ना होता तो अलीगढ़ में पूरे 5 से 7 साल होने जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, हमें कोई भी विकास या नहीं दिखाई बनेगा, विकास कार्य होगा तो वक्त तो लगता है, देखिए पड़ी हुई है मिट्टी। देखिए आपने एक आधा किलोमीटर और उससे कम की दूरी वाली एक सड़क को आप बना के 3.5 करोड़ में दिखा रहे हैं कि इस तरह बनती है, और बाकी आप अपने तमाम पूरे महानगर की सड़कें देख लीजिए, आप केवल 4 इंची 3 इंची या 6 इंची 5 इंची मोटी लेयर चढ़ा के भाग जाते हैं जो 6 महीना भी नहीं चलती है। तो ये समझता हूँ कि ये कोई विकास नहीं है, पैसों की बंदरबांट है, स्पष्ट बंदरबांट। तो कहने का मतलब है ये ऊंचे महल चौवारे सब जनता का है और जनता को ही दे दो, ये सब जनता का है। जनता को दे कहाँ रहे हैं, कहाँ दे कहाँ रहे हैं, ये तो अपने घर भर रहे हैं प्रशासनिक, आप संगीन आरोप लगा रहे हैं सरकार के नुमाइंदे, बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। अगर आप मुझसे नाम भी पूछेंगे तो मैं आपको लिख के नाम भी दे दूंगा, लेकिन ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी और ये शून्य राजनीति और राजनीतिक लोग, इन सबकी मिली भगत है और बढ़िया काम चल रहा है और जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, लेकिन अभी उसका जो माइंड डाइवर्ट धार्मिक और अन्य मुद्दों पर है, जिस दिन वो लौटेगी, जिस दिन वो सोचेगी, तो फिर इन्हें अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ेगा। हमारे बीच से पर्यावरणविद भाई रंजन नारायण जी, जिन्होंने काफ़ी कम शब्दों में बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, जागरूक बने और समाज, शहर और देश के निर्माण में कदम बढ़ाएं। हमारे बीच में एक युवक और आ चुके हैं, शरद बंसल जी, मैं शरद बंसल जी से भी बात कर आपसे साझा करने का प्रयास करता हूं। मेरा नाम शरद बंसल है और मैं एक NGO से रिलेट अध्यक्ष भी हूं NGO का, और ये कहना चाहूंगा कि ये जो पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है ये बहुत गलत है, जो इस तरह से लाइट लगा कर ये जो पेड़ों में कीलें ठोकी गई हैं, ये एक सजीव प्राणी है, जो हमने भी पढ़ा है बचपन में, किताबों में पढ़ते थे हम कि पेड़ भी जो हमारे जो हैं वो सजीव होते हैं, जैसे हमारे अंदर आत्माएं होती हैं, इंसान हमारे अंदर प्राण होते हैं, ऐसे ही हम पेड़ों में भी प्राण मान के चलते हैं, तभी तो ये बढ़ते हैं, कटते हैं, तो इनमें भी खून निकलता है, इनके भी आंसू निकलते हैं, जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था। वही बात मैं फिर कहूँगा
कि इनके ऊपर जो हम जो अत्याचार कर रहे हैं, एक तरह से अत्याचार ही है कील लगाकर लाइटें लगाना, क्या हम मनुष्य होते हुए क्या अपने ऊपर कील लगा के लाइटें लगा सकते हैं? क्या हमारे नगर निगम के अधिकारी जहाँ लाइटें नहीं हैं क्या खुद खड़े हो जाते हैं क्या लाइटें लगा के? अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो वो खड़े हो जाएं फिर। बंसल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पर्यावरण की बात कर रहे हैं, एक साधारण पब्लिक का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि साहब आपने ठंडी सड़क पर पौधों पर कील ठोकी है, मुझे बड़ी पीड़ा है। ऐसे में वन विभाग क्या सो रहा था? क्या आंखें मूंदे कुंभकर्ण की नींद सो रहा था वन विभाग? क्यों नहीं उन्होंने अपनी ओर से कोई कार्रवाई की, बताइए। इस उन्हें पौधों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं? कोई नहीं है, उनको अपनी सुरक्षा दिखाई दे रही है, ना उनको समाज की सुरक्षा से मतलब, ना पब्लिक की सुरक्षा से मतलब, उन्हें बस अपना पेट भर रहा है, आराम से वो सो रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि कोरोना होके गया है जिसमें हमें ऑक्सीजन की कितनी कमी रही थी, अगर ये पेड़ जो संजीव पेड़ हैं ये निर्जीव हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वैसे इतनी चलिए, आपकी बात मैं बिल्कुल अच्छी करता हूँ। अभी पिछले दिनों देखिए, मैं अपने साथी से कहूँगा इधर घुमाएं, किस कदर सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, दरख्त के नीचे बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं। अगर स्पार्किंग होती है बंसल जी और तार वायर में आग लग जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले एक महीने से किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में फसल सैकड़ों बीघा जलकर राख हो रही है, अगर यहाँ पर स्पार्किंग होती है तो ऐसे में क्या हो सकता है? पब्लिक का नुकसान होगा और इनकी आमदनी होगी, उसमें भी तो ये बिल फाड़ेंगे ना अपना, उसमें भी वाउचर बनाएंगे ये लोग अपने पेट भरने के लिए। इनको कोई पीड़ा नहीं है, इनको तो उसमें भी आपदा में भी इनको अपना अवसर दिखाई देगा, अवसर दिखाई देता है। ये सेंटेंस मैं जनपद अलीगढ़ में बहुत लोगों से सुन चुका हूँ। बस जैसे कोरोना के टाइम में जो अधिकारी थे हमारे बड़े बड़े, सब कोरोना का पैसा खा गए लोगों की, पब्लिक का जो एक एक रिक्शे वाले तक का पैसा खा गए, जो ऊपर से शासन की तरफ से बहुत पैसा आया, सब अधिकारी खा गए। ऐसे ही अब करेंगे, आग लग जाती है इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेड़ जो है जनता का लगाया हुआ है, जिसका भी लगाया हुआ है वो जाएगा, प्लस आग लगेगी, कोई हताहत होगा, कोई निकल के जा रहा है या कोई चुपक गया, कोई बच्चा है या कोई, वो यहाँ बच्चे खेलने आते हैं, सुबह टहलने आते हैं, कहीं भी कर, कोई भी हादसा हो सकता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको तो उसमें उसके बाद भी अपने बस बिल फाड़ेंगे और खाना पूर्ति करके ख़त्म कर देंगे। साथियों, ये थे हमारे साथ शरद बंसल जी और यहाँ पर बहुत सारे लोग 7 साल से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कब स्मार्ट सिटी बनेगा। इस स्मार्ट सिटी के इंतज़ार के लिए हमारी खुद बाल सफ़ेद हो गए, हम खुद परेशान हैं। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये स्मार्ट सिटी बने, हमारे बच्चों का भविष्य बने, बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, इनको कोई परेशानी को दुर्भाग्य न हो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जितनी जल्दी बन जाएगा उतनी बेहतर रहेगा। उनने बच्चे काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में हैं। साथियों, मैं हूँ आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट। कोई भी प्लानिंग करते समय अच्छाई और बुराई का रखें ख्याल, और पेड़ों को जिस तरीके से पीड़ा दी है, स्वीकार किया है वन विभाग ने कि ये गलत कृत्य हुआ है और ऐसे कृत्यों को तत्काल रोकना होगा। अगर जो लोग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं किसके लिए कह रहा हूं, तो जनता को आखिर आगे आना होगा और अपने शहर, अपना प्रदेश, अपना देश की विजय पताका लहरानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।